प्रिय विद्यार्थियों, मैं राम यशपाल आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अम्ल और क्षार कक्षा 10 के लिए। मैं सबसे पहले आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज मैं बताता हूँ कि अम्ल और क्षार क्या हैं, इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। अम्ल क्या है, सबसे पहले देखते हैं अम्ल की पुरानी और परंपराएं क्या थी। अम्ल की पुरानी परंपराएं और आज की परंपराएं, अर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत। सबसे पहले अम्ल के विषय और क्षार के विषय में अर्हीनियस ने एक थ्योरी दी। इन्होंने थ्योरी दी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। अम्ल क्या है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में यच आयन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, यच आयन जो देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में, जैसे देख लें CH3 भी इसको पढ़ते हैं CH3OOH। इसका अगर इसको हम जलीय विलयन देते हैं एक्वस, यहाँ क्या लिखते हैं हम एक्वस, जलीय विलयन में ये प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, ये आपका CH3OO और प्लस एच आयन, क्या प्रदान करता है जलीय विलयन में, ये प्रदान करता है एच आयन, क्या प्रदान कर रहा है, यच आयन प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अम्ल कहेंगे। एक बार देख लें कि अम्ल क्या है, अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में अगर इनको जल में घोल दिया जाता है, जलीय विलयन बनाया जाता है, तो क्या प्रदान करते हैं आपको, ये यच आयन प्रदान करते हैं। दूसरा एक देख सकते हैं HCl क्या है, ये भी अम्ल है, इसका एक्वस विलयन अगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक्वस विलयन बनाते हैं, ये भी एच आयन प्रदान करता है। ये क्या देता है आपको, ये देता है एच आयन प्लस Cl निगेटिव, ये निगेटिव आयन होता है Cl निगेटिव, ठीक है। ऐसे पदार्थ, ऐसा कोई यौगिक हो जो जिसको जल में घोला जाए, जिसका जलीय विलयन बनाया जाए, तो वो क्या प्रदान करता है, यच आयन प्रदान करते हैं ऐसे विलयन को, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। फिर भी एक बार अम्ल की डिफिनेशन जान लें अर्हीनियस के अनुसार कि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में यच आयन प्रदान करते हैं। एक और देख सकते हैं जैसे HNO3 है, क्या HNO3 इसके जलीय विलयन में क्या देगा, ये आप समझ सकते हैं अब कि H पॉजिटिव प्लस OH, एक क्या कहते हैं NO3 नेगेटिव, क्या देता है NO3 नेगेटिव आपके जलीय विलयन के अंदर, ठीक है। HNO3 क्या देता है, H पॉजिटिव देता है, NO3 नेगेटिव देता है। इस तरह से अर्हीनियस के अनुसार हो गया। अब आपको बता रहे हैं कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, क्या बताना है, क्षार, अम्ल के बाद क्या, क्षार जिसे हम भस्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भस्म। अंग्रेजी में अम्ल को हम एसिड कहते हैं और क्षार को क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। अर्हीनियस के अनुसार क्षार या भस्म या बेस ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करते हैं, जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ कि जलीय विलयन में OH आयन प्रदान के, जैसे एक उदाहरण देखें NaOH, क्या है NaOH, NaOH क्या है, ये आपके जलीय विलयन के अंदर में इसका अगर हम घोलते हैं जल में, किसमें घोलते हैं, तो ये दो चीज़ों में विघटित हो जाता है, दो प्रकार के आयनों में
पहला है आपका एन ए, एन ए पॉजिटिव है और ओ एच निगेटिव, उसका जलीय विलयन है ओ एच निगेटिव, ठीक है। तो क्षार कैसे पदार्थ हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन के अंदर ओ एच आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। अब दूसरा एक उदाहरण इसका और देख सकते हैं, के ओ एच, क्या के ओ एच, ये एक इसको अगर जल में घोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो ये देता है आपको क्या देता है, के पॉजिटिव एक्वस और ओ एच, ठीक है। कि ए जलीय विलयन में क्या प्रदान, के ओ एच जलीय विलयन में क्या प्रदान कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रदान कर रहा है, इसमें हाइड्रोक्साइड अलग हो रहे हैं। ये तो अर्हेनियस के सिद्धांत थे जो कि एच आयन प्रदान करने का सिद्धांत था, लेकिन अर्हेनियस के सिद्धांत को देखा गया कि अर्हेनियस के सिद्धांत केवल जलीय विलयन में जो एच या ओ एच प्रदान करते हैं या जलीय विलयन के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तो उसके बाद अर्हेनियस और गॉन्स्टेड ने, किसने उन्होंने क्या कहते हैं, लोरी और ब्रांस्टेड ने, किसने लोरी और ब्रांस्टेड ने, उन्होंने सिद्धांत दिया प्रोटॉन आदान प्रदान का, प्रोटॉन विनियम का, विनिमय किसका विनिमय, प्रोटॉन का, प्रोटॉनों के विनिमय के आधार पर उन्होंने बताया कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। अब हम देखते हैं किसका थ्योरी, लोरी और ब्रांस्टेड की, लॉरी और ब्रांस्टेड या आधुनिक अवधारणा कह सकते हैं इसको, किसका, लॉरी, लॉरी तथा ब्रांस्टेड ने, किसने, ब्रांस्टेड, लॉरी और ब्रांस्टेड ने 1923 में दिया था सिद्धांत, कब दिया था, इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, क्या हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं, मान लीजिए HCl, इसी को देख सकते हैं आप, H कह सकते हैं CH3COOH में H आयन, H आयन क्या है, एक प्रोटॉन होता है, H आयन क्या है, प्रोटॉन होता है, आपको समझ सकते हैं, आपको समझा देते हैं। हाइड्रोजन को आप जानते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु में के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते, हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, क्या होते हैं, केवल प्रोटॉन होते हैं, इसके चारों ओर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं तो क्या बचता है, केवल एच आयन प्रदान, प्रोटॉन केवल बचता है, तो इसलिए एच आयन को, हाइड्रोजन आयन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो CH3OOH ये क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन दे सकता है, क्या दे सकता है, जो प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम कहते हैं अम्ल। इसी तरह इसमें देख सकते हैं Cl में भी यच ये प्रोटॉन आपको देने की इसकी क्षमता रखता है, इसलिए इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और इसके बाद क्षार क्या है, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं, क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता जिसमें होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। कुल मिलाकर अम्ल क्या है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं या प्रोटॉन प्रदान कर सकते हैं, और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। आज के दिन इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा इसी अम्ल और क्षार के
बारे में। थैंक यू।